फ्रेंड्स पार्ट टू में क्वेश्चन फोर्टीन से करेंगे पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर थर्टीन तक हो गई थी अब पार्ट टू में हम क्वेश्चन नंबर फोर्टीन से करेंगे फ्रेंड्स चलिए वाक गुड फॉर मॉर्निंग इज हेल्थ चलिए ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा चलिए कमेंट करिए वॉक गुड फॉर मॉर्निंग इज हेल्थ तो फ्रेंड्स आपका चलिए अच्छा आप लोग पहले गेस्ट कर लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होगा मॉर्निंग वॉक तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता ऑप्शन डी नहीं हो सकता ओके यानी मैंने क्या बताया कि ऑप्शन डी नहीं हो सकता ऑप्शन ए नहीं हो सकता मॉर्निंग वॉक मॉर्निंग वॉक चलिए इज इज गुड गुड यहाँ लास्ट में ए तो ए भी हो कट गया तो आपको ऑप्शन क्या आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर मॉर्निंग वॉक सब्जेक्ट हमारा क्या है मॉर्निंग वॉक इज होता है गुड मीन्स अच्छा फॉर हेल्थ स्वास्थ्य के लिए प्रातः काल का टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है बेनिफिशियल होता है लाभदायक होता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन फिफ्टीन टू गिफ्ट ब्रदर सेंट माई ए मी बर्थडे माई ऑन चलिए ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा चलिए चलिए फ्रेंड्स यहां पर जो सब्जेक्ट आपका है माई ब्रदर माई ब्रदर से सेंटेंस प्रारंभ होगा माई ब्रदर तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता ऑप्शन डी नहीं हो सकता फिर आपका संस माई ब्रदर माई ब्रदर इस सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब लेना है तो माई ब्रदर के बाद सेंट यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर माई ब्रदर सेंट ए गिफ्ट टू मी ऑन माई बर्थडे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखेंगे बी ग्रेट रिस्पेक्ट आवर शुड फॉर टीचर्स हैव ओके बी ग्रेट रिस्पेक्ट आवर शुड फॉर टीचर्स हैव ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा चलिए कमेंट करिए आप लोग चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट है बी बी के बाद आपको मॉडल लगाना मॉडल बी शुड बी शुड बी शुड चारों ऑप्शन में है बी शुड बी शुड चलिए बी शुड हैव चलिए भाई ये भी सही है बी शुड हैव के बाद क्या होना चाहिए ग्रेट रिस्पेक्ट चलो सर बी ग्रेट बी ग्रेट रिस्पेेक्ट यानि बी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर टीचर्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बात समझ में आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज अप इन चलिए ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी होगा चलिए कमेंट करिए आप लोग चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है इट इज इट इज से आपको सेंटेंस बनाना होगा तो चारों ऑप्शन में इट इज है इट इज इट इज, इज गुड इट इज़ गुड इट इज गुड टू तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर इट इज़ गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग प्रातःकाल उठना स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है भाई अच्छा होता है प्रातःकाल में उठना जल्दी उठना अच्छा होता है नेक्स्ट आई वी आन फूट ब्लेज गो टू हिज चलिए ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन या डी होगा चलिए कमेंट करिए आप लोग फ्रेंड्स चलिए यहां पर दो सब्जेक्ट है चाहे आई हो चाहे वी हो आई वी यानी सब्जेक्ट बात को वर्ब लेना है गो आई बी के साथ गो यानी पहला पहला नहीं हो सकता ऑप्शन ए नहीं हो सकता ऑप्शन सी नहीं हो सकता या तो ऑप्शन डी हो सकता है या आप तो ऑप्शन बी हो सकता है चलिए भाई चलिए बी गो टू फूट नहीं फूट नहीं पहले ऑब्जेक्ट आएगा हिज ब्लेज आएगा ऑन फूट होता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बी गो टू हिज विलेज ऑन फूट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट बीन फॉर द ट्रेवलिंग हैव टू डेज चलिए ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी होगा चलिए कमेंट करिए आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है दे दे के बाद आपको क्या लगाना हैव बीन दे के बाद आपको क्या लगाना है दे हो जाएगा फिर हो जाएगा हैव बीन दे हैव बीन बीन दे हैव बीन ऑप्शन ए नहीं हो सकता दे हैव बीन दे हैव बिन देव बी हैव बिन के बाद वर्ब लगेगा ट्रेवलिंग तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता दे हैव बीन ऑप्शन बी नहीं हो सकता दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर फॉर नहीं फॉर टू डेज ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन डी फ्रेंड्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर टू डेज ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ओके नेक्स्ट फिट कीप्स अस रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल फिट कीप्स अस रेगुलर एक्सरसाइज चलिए ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी होगा चलिए कमेंट करिए आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट जो है रेगुलर एक्सरसाइज है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं हो सकता ऑप्शन बी नहीं हो सकता ऑप्शन या तो सी होगा या तो डी होगा रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीप्स फिट अस रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज की ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीप्स अस फिट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड करिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन माई टार्ट स्विमिंग मी फादर चलिए ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी होगा चलिए कमेंट करिए आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट आपका है माई फादर सब्जेक्ट आपका क्या है माई फादर क्या सब्जेक्ट है माई फादर तो माई फादर माई फादर तीन यानी ऑप्शन डी तो आपका कट गया माई फादर के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे टॉट टी ए यू जी एच टी टॉट माई फादर ऑप्शन सी भी कट गया माई फादर मी ए भी कट गया ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर माई फादर टार्ट मी स्विमिंग ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क चलिए ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी होगा चलिए कमेंट करिए आप लोग चलिए फ्रेंड्स यहां पर सब्जेक्ट हमारा है वर्क हार्ड वर्क ट्वेंटी टू करिए हार्ड वर्क नेवर गोज बेस्ट Option C is the right answer. Option C is the right answer. Hard work never goes best. Option C is the right answer. Okay. Next. Next question 23. She in the river enjoys. शी इन द रिवर इन्जॉय स्विमिंग ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी होगा चलिए कमेंट करिए आप लोग फ्रेंड्स इसका जो राइट right जवाब होगा राइट right आंसर जो होगा यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सी है सी के बाद आपको वर्ब लगाना इंजॉय तो देखिए कहाँ कहाँ पर आया है सी इंजॉय सी इंजॉय सी इंजॉय चारों ऑप्शन में है ओके सी इन्जॉय चलिए वो आनंद लेती है स्विमिंग इन द रिवर क्या होना चाहिए स्विमिंग इन द रिवर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सी इंजॉय स्विमिंग इन द रिवर ऑप्शन डी ओके नेक्स्ट ट्वेंटी फोर लव बोथ एंड हिम ऑनर वी चलिए कमेंट करिए ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी होगा चलिए कमेंट करिए आप लोग फ्रेंड्स यहां पर सब्जेक्ट हमारा जो है वी सबसे पहले बी हम देखेंगे बी बी के बाद हमारा है आ, लव चलिए ट्वेंटी फोर का करिए ऑप्शन सी बी both लव एंड ऑनर हिम ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके ऑप्शन सी होगा कौन सा होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव मंडे टू संडे फ्रॉम आउट ऑन ए टोर वाज ही चलिए ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी होगा चलिए जवाब करिए आप लोग फ्रेंड्स यहां पर सब्जेक्ट जो है ही है सब्जेक्ट क्या है ही चलिए ही वाज ही वाज आउट क्या होना चाहिए ही वॉज आउट ही वॉज आउट ऑन ए टोर फ्रॉम मंडे टू संडे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट ट्वेंटी सिक्स माई टॉट स्विमिंग मी ब्रदर माई टॉट स्विमिंग मी ब्रदर चलिए आप लोग गेस करिए ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट है माई ब्रदर टाट मी स्विमिंग ऐसे बन जाए माई ब्रदर माई ब्रदर टाट मी स्विमिंग कहाँ लिखा है माई ब्रदर टाट मी स्विमिंग ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट ट्वेंटी सेवन शी लॉट मनी ऑफ बारोड हैज देम फ्रॉम चलिए ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी होगा चलिए फ्रेंड्स इसका जवाब करें आप लोग फ्रेंड्स यहां पर सब्जेक्ट हमारा है सी सी के बाद वर्ब लगाना है बारो तो देख लीजिए कहाँ आया है शी फिर उसके पहले वर्ब है तो सी हैज़ सी हैज़ बारोड ओके सी हैज़ बारोड ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि बारोड लास्ट में आया है ऑप्शन बी नहीं हो सकता ऑप्शन सी भी नहीं ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर सी हैज़ बारोड लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट ट्वेंटी एट संडे आन ही इच चर्च टू गोज चलिए कमेंट करिए ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी होगा चलिए आप लोग कमेंट करिए फ्रेंड्स इसका जो राइट right जवाब होगा यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है ही फिर वर्ब लगेगा गोज तो सेंटेंस क्या हो जाएगा ही गोज़ क्या हो जाएगा ही गोज़ टू चर्च देख लीजिए ही ऑप्शन ए कट गया ही गोज़ टू चर्च ऑन इट्स संडे फ्रेंड्स यहाँ पर बी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ही गोज़ टू चर्च ऑन इच संडे नेक्स्ट ट्वेंटी नाइन फुटबॉल प्ले नाट बॉयज दीज डू चलिए कमेंट करिए ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा फिर ऑप्शन डी होगा चलिए आप लोग कमेंट करें चलिए फ्रेंड्स यहां पर सब्जेक्ट है द बॉयज बॉयज चलिए करिए ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स ये इंट्रागेटिव है क्वेश्चन मार्क लगा इंट्रागेटिव है तो सबसे पहले डू आएगा क्या आएगा डू तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता ऑप्शन सी नहीं हो सकता डू के बाद सब्जेक्ट आएगा डू दीज बॉयज़ नॉट ऑप्शन बी ऑप्शन बी डू दीज बॉयज नॉट प्ले द फुटबॉल ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट ही लॉट ए मनी ऑफ बारोड मी from फ्रेंड्स ये question क्वेश्चन है इनको सही से करिएगा और बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो इस प्रकार का क्वेश्चन जो आएगा हमारे ही लेक्चर से आएगा जब पेपर आप देकर के आइएगा तो ज़रूर मैच करिए फ्रेंड्स यहाँ पर है ही ही के बाद सब्जेक्ट आएगा ही सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद बर्बा आएगी बारोड ही बारोड तो ही बारोड लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी ही बारोड लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी ही बारोड लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज की क्लास का शुड बी ग्रेट हैव रिस्पेक्ट आवर फॉर एल्डर्स चलिए सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है बी बी शुड तो डायरेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा क्या हो बी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस लाइक like करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि जो बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले हैं उन तक क्लासें पहुंच जाए तो उनका भी बेनिफिट हो सके थैंक यू फॉर वाचिंग